वेलकम टू माय गाइस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाला टॉप 5 बेस्ट बॉस सिमुलेटर गेम्स फॉर एंड्रॉयड। सो आज के इस वीडियो में आप लोग को जितने गेम्स बताऊंगा उन सभी गेम्स के फीचर्स बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाले हैं और उन सभी के ग्राफिक्स आप लोग को काफी अच्छे देखने को मिलेगी। और इसके अंदर से अगर आप लोग को कोई भी गेम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो नंबर फर्स्ट पे आ गया मैं था बस सिमुलेटर प्रो। सो इस गेम का साइज आप लोगों को 220 MB देखने को मिलेगा और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑनलाइन मिलेगा। इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे देखने को मिलने वाली है और ये गेम आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक वाला सिस्टम वाला देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी पैसेंजर्स आप लोग बैठाते हो वो लोग फीडबैक भी देते हैं आपको। गेम के अंदर में आप लोगों को इंजन हॉर्न वगैरह का साउंड काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेगा और इस गेम के अंदर में आप लोगों को काफ़ी सारे कैमरा एंगल्स भी देखने को मिलते हैं और इस गेम के अंदर में आप लोगों को काफ़ी बड़ा मैप देखने को मिलेगा जिसे कि आप लोग बस के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हो। और इसके साथ में आप लोगों को डे नाइट साइकिल भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। सो ऑल ओवर ये काफ़ी अच्छा गेम है, बस इसके अंदर में एक दिक्कत है कि ये प्ले स्टोर के ऊपर में अवेलेबल नहीं है इस समय इंडिया में, सो इसलिए आप लोगों को किसी दूसरे वेबसाइट से इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सो नंबर सेकंड पे आ गया मैं था हैवी बस सिमुलेटर। इस गेम का साइज आप लोगों को 280 MB देखने को मिलेगा। सो इस गेम के भी ग्राफिक्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिलेगी। इसके अंदर में आप लोगों को पूरा रियल फिजिक्स वाला सिस्टम देखने को मिलता है, काफ़ी सारे स्किन्स वगैरह देखने को मिलेगी, काफ़ी सारे सिटीज़ देखने को मिलेगी और रियलिस्टिक साउंड्स एंड इंटीरियर्स देखने को मिलेगी। सो ऑल ओवर ये भी एक काफ़ी अच्छा बस सिमुलेटर गेम होने वाला है। सो अगर आप लोगों को हाई ग्राफिक के साथ एक बढ़िया बस सिमुलेटर गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो नंबर थर्ड पे आ गया मैं था कोच बस सिमुलेटर। अब इस गेम का साइज आप लोगों को 110 MB देखने को मिलेगा। सो इस गेम की ग्राफिक्स आप लोगों को ठीक ठाक देखने को मिलेगी, नॉर्मल से देखने को मिलेगी, बट इसके अंदर में आप लोगों को काफ़ी सारे अमेजिंग फीचर्स देखने को मिलते हैं। और इस गेम की सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर में आप लोगों को मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर आप लोगों को किसी फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज्वाइन करके खेलना, मतलब 3-4 बस एक बार में चले, तो वो भी आप लोगों को इसके अंदर में अवेलेबल देखने को मिलेगा। बाकी इस गेम के अंदर में आप लोगों को एक काफ़ी बड़ा मैप देखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छा ओपन वर्ल्ड एक्सपीरियंस आप लोगों को देखने को मिलेगा और आप लोगों को डे नाइट साइकिल भी देखने को मिलेगी। गेम्स के कंट्रोल्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और बस के अंदर में आप लोगों को काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप लोग बस हो गया कि साइड हो गया कि जो चाहो वो अपने से लिख सकते हो। सो ये वाला मेरे को सबसे अच्छा फीचर लगा। और इसके अलावा आप लोग बात करते हो इसके अंदर में आप लोगों को रियलिस्टिक डैमेज इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, मतलब बस हो गया जब क्रैश हो गया होगी तो उसके ऊपर में डैमेज भी काफ़ी अच्छा आता है। और बस के बिंदर में आप लोगों को काफ़ी सारी वैरायटीज़ देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोगों को कोई भी रियलिस्टिक फीचर्स वाला बस सिमुलेटर वाला गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को एक बार ही जरूर ट्राई करना। सो नंबर फोर्थ में आ गया मैं आता है बस सिमुलेटर इंडोनेशिया। इस गेम का साइज आप लोगों को 314 MB देखने को मिलेगा और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन मिलेगा। सो इस गेम के बारे में तो हो सकता है काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा पुराना गेम है और बाकी गेम के अंदर में आप लोगों को काफ़ी अच्छे एनिमेशन वगैरह देखने को मिलेंगे और ऑल ओवर फीचर्स वगैरह आप लोगों को नॉर्मली बस सिमुलेटर जैसे गेम्स के देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर आप लोगों को इस गेम के बारे में पहले से ही पता था अगर या फिर आप लोग इस गेम को खेलते हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो नंबर फिफ्थ में आ गई मैं था वर्ल्ड बस ड्राइविंग सिमुलेटर। सो इस गेम का साइज आप लोगों को 630 MB देखने को मिलेगा और ये गेम आप लोगों को पूरी तरीके से ऑफलाइन मिलेगा। सो इस गेम के फीचर्स मैंने आप लोगों को अब तक जितने भी गेम्स बताए बस सिमुलेटर के उन्हीं सब के तरह, बट इस गेम के ग्राफिक्स जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेगी और इस गेम को खेलते समय आप लोगों को पूरा पीसी वाला एक्सपीरियंस आने वाला। बट इसके अंदर में एक दिक्कत है कि जब आप लोग इसे अल्ट्रा ग्राफिक्स पर चलाओगे, मतलब जो इस समय आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो, सो उस समय आप लोगों का जो फ़ोन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट होने लगेगा, चाहे आप लोगों के पास कितना भी अच्छे प्रोसेसर का फोन हो। और बाकी फीचर्स तो आप लोगों को नॉर्मल बस सिमुलेटर वाले गेम्स के तरफ देखने को मिलेगी। सो अगर आप लोगों को कोई एक हाई क्वालिटी वाला गेम चाहिए तो आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। सो तुम लोगों को मेरे वीडियो बस पता ही होंगे, वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट्स बताओ आप लोगों को इसके अंदर से कौन सा गेम सबसे अच्छा लगा और इसके अलावा तुम लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। सो चले गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। All the pain.